तो हम लोग आज की इस वीडियो में क्लास सिक्स फिजिक्स का चैप्टर वन देखने वाले। और चूंकि ये क्लास सिक्स में ही आपका फर्स्ट टाइम फिजिक्स इंट्रोड्यूस होता है और ये फर्स्ट चैप्टर है, तो इसे समझना काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये आप समझते हो तो बाकी जितने सारे चैप्टर्स फिजिक्स में आने वाले होते हैं वो आपके लिए आसान हो जाते हैं। जो बेसिक्स और फंडामेंटल है ना, वो आपको इस चैप्टर में कंप्लीट हो जाती है। और इवन आगने वाले क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का ना पार्ट टू होने जा रहा है और जो पार्ट वन है वो ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर लिया है। यदि आपने देखा नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के फिजिक्स में क्लासिक्स फिजिक्स का चैप्टर वन जो भी है वो आप पार्ट वन देख सकते हो। और पार्ट वन में ऑलरेडी हमने एक पेज नंबर आई थिंक 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, मैं आपको बता दूं पहले, वो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर से बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले और इसके आगे देखेंगे ऑलमोस्ट कहाँ तक हम लोग पढ़ पाते। कोशिश रहेगी बहुत ही इजी वे में और आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाए, बताया जाए, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरे देखोगे बिना कट किए हुए, तब आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी और स्किप नहीं करोगे। जो आप फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप करके देखना चाहोगे कोशिश करोगे तो मैं भी आपके लिए थोड़ी थोड़ी जो कंटेंट है वो छूट जाए, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसा कि आप जान रहे हो आज का हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है वो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको आई थिंक इसके बारे में थोड़ी पूरी चीज़ें पता होगी कि देयर आर 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर वैसे तो बहुत सारी है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैटर से भरी पड़ी है। जो भी चीज़ आप अपने आसपास में देख रहे हो सब के सब क्या है, मैटर ही तो है। लेकिन उन सारे मैटर्स को उसका स्टेट के अकॉर्डिंग, यानी कि वो दिखता कैसा है, वो किस शेप साइज वगैरह में, इसको देखते हुए हम लोग उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं। तो जितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास में उनको हम 3 फिजिकल स्टेट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। चलो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो सॉलिड है, एग्जाम्पल में आपका स्टील जो कि बुक में गिवेन है, बाकी आप अपने देख सकते हो अपने आसपास में जो भी चीजें, आपका जो मोबाइल है, आप यदि लैपटॉप में देख लो तो आपका जो लैपटॉप है, वॉल है, ब्रिक्स है, और बाकी जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत हार्ड है वो आपका सॉलिड हो गया। नेक्स्ट वन इज लिक्विड। तो लिक्विड का एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ ऑयल, इवन आप वाटर ले सकते हो, और बाकी जितनी सारी चीजें जो फ्लो करती है ना वो सब के सब लिक्विड हो जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज गैस। तो गैस में क्या भाई, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जो हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, ये सब क्या है, गैस ही तो है। तो ये सब आपके एग्जांपल्स हो गए। अब चलिए हम लोग एक एक करके इन तीनों स्टेट के बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, फिर नीचे आपको गैस स्टेट है, लेकिन ये सब आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से जो आपके सब्सटेंसेस हैं वो 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। जैसे तो जो भी आपके मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो इसके पीछे का क्या कारण है कि जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में है, उसके पीछे का क्या कारण है? तो भाई वो बहुत ही सिंपल है। सॉलिड, लिक्विड और गैस इसलिए है क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है, और मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है। इन 3 कारणों की वजह से जो आपका मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स में पाया जाता है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को और ये तीनों जो आपका रिस्पॉन्सिबल कारण है, इन सबको हम लोग डिटेल्स में आगे देखने वाले। बस आपको यहाँ पे 3 चीजें याद रखनी, ध्यान रखनी। फर्स्ट है आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में आगे देखने वाले। चलिए तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। ये सॉलिड स्टेट में आखिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन या फिर मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब कैसा होता है? तो जो सॉलिड स्टेट है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत स्ट्रांग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो बहुत स्ट्रांग होती है, और मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में बता देता हूँ यदि आप नहीं जानते हो तो, शॉर्ट में बता रहा हूँ आगे और आपको डिटेल्स में पढ़नी है। तो देखो जितनी सारी चीजें बनी है ना, जितने भी मैटर्स हैं वो किने किना किने छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनी हुई है। अब अचानक से ईंट ही तो अपने आप में छोटा नहीं है, उससे भी कुछ छोटा है। आप ईंट जैसे मान लो एग्जाम्पल मिल लो, तो ईंट जो है वो किससे बनी हुई है? मिट्टी से, बालू से, उसके छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हुए। तो क्या होती है कि जितने सारे पार्टिकल्स होते हैं जो छोटे छोटे, उन सभी पार्टिकल्स के बीच में ना एक फोर्स होती है जिसकी वजह से वो दोनों आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो इस फोर्स को जिसके वजह से वो दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, जो अट्रैक्शन है वो सॉलिड स्टेट में बहुत ज्यादा होता है।
और जो स्पेस है इंटरमोलिकुलर स्पेस वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। अब बोलोगे सर इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, इसके बारे में तो पहले बताओ मैं, तो सुनो शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे हम लोग को पढ़नी है। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है ना, जैसा कि अभी आपने देखा कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है, उसी तरह पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस भी होती है। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके बीच में थोड़ी थोड़ी सी क्या होती है, स्पेसेस होती है। तो ये जो स्पेस होती है ना उसे हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। और ये जो स्पेस है वो सॉलिड में कहीं बहुत कम होता है और लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैसेस स्टेट में पहुंच जाओगे तो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है। तो भाई ये रीजन है, और हर एक में इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस हर एक स्टेट में आपको पढ़नी है उसका कंपैरिजन के लिए। तो देखो सॉलिड स्टेट था तो इंटरमोलिकुलर जो आपका फोर्स है वो क्या होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, और लेकिन जो स्पेस है वो क्या है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब क्या है, एकदम कम है, इतना कम है कि उसको लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको देखना ही नहीं है, बस इग्नोर मारो इस टाइप के। द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस पार्टिकल से मिल करके बना है सॉलिड वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए। भाई स्पेस रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तभी तो वो बाहर निकल पाएगा, घूम पाएगा, तो वो चीज है नहीं तो बेचारा कैसे घूमेगा। तो ये सीन है सॉलिड स्टेट के साथ, इसीलिए जो मैटर होती है ना वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यदि ये कारण हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए और स्पेस नेग्लिजिबल हो जाए, तो जो मैटर होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, सेकेंड मतलब लिक्विड स्टेट के पीछे की क्या रीजन है। तो ये जो लिक्विड स्टेट देख रहे हो इसका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है। जैसे सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग था इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा वीक है। वीक मतलब बोलो तो कमजोर है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पावरफुल नहीं है, बहुत कमजोर है, लूज अट्रैक्शन है, यानी कि थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल जाएगा। द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर एज कॉम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन जो स्पेस है देखो वो भी ज्यादा है किसके कॉम्पेयर में, सॉलिड स्टेट के कॉम्पेयर में जो आपका स्पेसेस है वो ज्यादा है और अट्रैक्शन कम है, इसीलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्री है, भाई देखो स्पेस ज्यादा रहेगी, अट्रैक्शन कम होगा और लूज अट्रैक्शन होगा तो भाई पार्टिकल्स तो मूव करेगा ही, तो पार्टिकल्स मूव कर जाता है इधर से उधर, लेकिन कहाँ मूव करता है वो, क्या मैटर से बाहर निकल के हवा में उड़ने लगता है, नहीं वो मैटर के अंदर ही है, लेकिन जिस बर्तन में आप उस लिक्विड को रखे हो ना उस पूरे लिक्विड में वो फ्री हो जाता है मूव करने के लिए। और इसीलिए जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड, मैटर कैसा एग्जिस्ट किया, एज ए लिक्विड। चलो अब सॉलिड देखा हमने, लिक्विड देखा, अब क्या बचा हुआ अभी, तो अब बचा है हमारे सामने गैसियस स्टेट। तो देखो गैसियस स्टेट क्या है, तो फिर से वही रीजन, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इसमें है नेग्लिजिबल। इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है वो कैसा भाई, इसमें नेग्लिजिबल मतलब बहुत वीक है, बहुत लूज है, पावर है ही नहीं। लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस इज फार मोर एज कॉम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड के कॉम्पेयर में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा है। और अब इसे स्पेसेस मिल जाती है, भाई स्पेसेस मिल जाती है मूव करने के लिए, और जब ये मूव करेगा तो मॉलिक्यूल्स को क्या मिल जाता है मूव करने के लिए, स्पेस, एंड आर फ्री टू मूव टू एंड फ्रो एनीवेयर, और अब उसे इधर से उधर जहां चाहे वहां मूव करने के लिए पूरी आजादी मिल जाती है। इवन यदि आप जिस किसी गैस को किसी बर्तन में आपने रखा है उसका ढक्कन खोल दो तो ये वहां से उछल उछल के हवा में आपस आप में मैटर से बाहर निकल के वो आपका हवा में इधर उधर घूमना शुरू कर देगा, तो ये आपका गैस। और इसीलिए चूंकि उसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत कम है, इसीलिए ये एग्जिस्ट करता है आपका गैसियस स्टेट में। अभी इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में देखने वाले, जैसे किस फिगर को देखो, ये आपका सॉलिड का फिगर है, इसमें जो पार्टिकल्स है देखो कितने पास पास में है, तो पास पास में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और इसके बीच में यदि और जो स्पेसेस है वो कम हो जाएगा। उसी तरह हम लोग दूसरा फिगर देखेंगे, दूसरा फिगर कहाँ गया भाई, देखो दूसरा फिगर यहाँ पे, ये आपका गैसियस स्टेट का है, तो गैसियस स्टेट में हम देख सकते हो जो पार्टिकल्स है उसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो स्पेस ज्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और स्पेस ज्यादा अट्रैक्शन कम तो कौन से स्टेट में ये एग्जिस्ट करेगा, तो मैटर एग्जिस्ट करेगा आपका गैसियस स्टेट में, इसलिए देखो यहाँ पे गैसियस स्टेट है। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका डिस्टिंक्शंस बिटवीन, सॉरी यहाँ पे है
डिस्टिंक्शंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो अभी हमने सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा, अब उन सबके बीच में ना कंपैरिजन है कि सॉलिड लिक्विड और गैस के में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है, तो उनको जो देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सॉलिड और अभी सेंटर में है लिक्विड और इस साइड में आपका गैसेस। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है कि अ सॉलिड हैज अ डिफिनिट शेप एंड अ डिफिनिट साइज, लेंथ, एरिया एंड अ वॉल्यूम। लेकिन जो सॉलिड है ना, इसका जो शेप साइज होता है वो सब कुछ फिक्स होता है, उसका लेंथ, उसका ब्रीथ, उसका हाइट, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, ये सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। सॉलिड जहां भी होगा, जैसा भी होगा, जिस स्टेट में होगा, लेकिन उसका जो लेंथ, साइड, एरिया, ब्रीथ वगैरह ना, वो क्या रहते हैं, हमेशा फिक्स रहती है। लेकिन जो लिक्विड है उसके साथ ये केस नहीं है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब जो क्वांटिटी है ना वो फिक्स है। जैसे मान लो 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, तो ये जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, लेकिन वो शेप फिक्स नहीं है। शेप फिक्स नहीं है, दैट मींस क्या, वो लिक्विड है वो फ्लो कर जाती है, जिस भी किसी बर्तन में रखो वो उसी बर्तन का जो है वो शेप ले लेती है। इसीलिए कह सकते हैं इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। लेकिन गैस के केस में पता क्या होती है, गैस का ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही उसका क्वांटिटी फिक्स होता है। गैस के केस में गैस का जो वॉल्यूम है, यानी कि उसको रहने के लिए जितना स्पेस चाहिए होता है, उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो वो जो वॉल्यूम है ना वो फिक्स नहीं है, जिस बर्तन में डालो आप गैस को वो पूरे कंटेनर का जो है शेप ले लेगा और पूरे कंटेनर का वॉल्यूम को अक्वायर कर लेगा। यदि मान लो 1 kg आपके पास गैस है, तो उसे किसी छोटे बर्तन में रखो और सेम 1 kg गैस को किसी बड़े कंटेनर में रखो, करीब बहुत बड़े कंटेनर में, तो आप देखोगे कि जो गैस है ना वो पूरे कंटेनर में फैल जाती है, उसका वॉल्यूम फिक्स ना होने की वजह से पूरे कंटेनर में, जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें फैल जाती है। 1 kg भी पूरे में और छोटे सिलेंडर में भी रह सकता है और बड़े सिलेंडर में भी रहा जा सकता है, लेकिन वो पूरे में भरा हुआ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होती है, सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मिलकर के सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ ना, वो सब आपस में पास पास में होते हैं। लिक्विड केस में क्या है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड होता है, यानी उसके बीच में दूरियां थोड़ी बढ़ जाती है। और गैसेस स्टेट में क्या होती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में दूरियां और बढ़ के हो जाती है, वाइड अपार्ट, मतलब बहुत बहुत दूर। थर्ड पॉइंट है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो फिक्स्ड होते हैं अपने पोजिशन पे, जहां है वो जैसा है स्थिर रहता है, वो हिलता डुलता ज्यादा नहीं, ज्यादा मूव नहीं करता, एक जगह फिक्स होता है और वो सिर्फ अपने पोजीशन पे, जिस जगह पे है ना वो सिर्फ मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा होता है। लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी लिक्विड में मूव करते रहते हैं, इस बाउंड्री से लेके उस बाउंड्री तक, यहाँ से लेके वहां तक, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वो पूरे लिक्विड में हमेशा जहां तहां वो मूव करते रहता है। लेकिन गैसेस स्टेट में केस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो बहुत फ्री होता है स्पेस में मूव करने के लिए। यदि कंटेनर को खोल दिया जाए ना, तो जो गैस का पार्टिकल्स हैं वो गैसियस मैटर से बाहर निकल के यूं हवा में मंडराने लगते, खुलने, घूमने फिरने लगते, तो ये गैस स्टेट है। तो ये समझो ना, स्कूल का वो आवारा बच्चा जिसे थोड़ी सी समय मिलती है, जैसे क्लासरूम से बाहर जाएंगे ये खड़ा हो जाएगा, इधर उधर छटपटाने लगेगा, तो वो आपका गैस है। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होती है, लिक्विड में क्या है, तो लिक्विड में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम होती है, यानी कि बीच बीच में, मॉडरेट कह सकते हो, बहुत स्ट्रांग नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, कैसी है वो, थोड़ी सी कम होती है सॉलिड के मुकाबले। लेकिन गैस में क्या है पता है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है ना वो गैस में बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। मतलब समझो क्लास का वो बच्चा है जिसको पढ़ाई से लेकर के इंटरेस्ट नहीं है, इसको इंटरेस्ट गैसेस में, गैसेस स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं उसको इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम है, इसका अट्रैक्शन बहुत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होते हैं, तो समझो गैसेस स्टेट में वो हमेशा घूमना फिरना पसंद करते हैं, और जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, जो पढ़ना पसंद करते हैं, वो एक ही जगह पर बैठे हुए रहते हैं मेन पोजिशन पर, और क्या करते हैं, वो सिर्फ स्टडी करते हैं, उसकी जो स्टडी करने का स्ट्रेंथ है, स्किल है, वो बहुत हाई होती है, स्ट्रांग होती है। चलो फिफ्थ पॉइंट है कि मॉलिक्यूल जो सॉलिड में है ना वो क्लोजली पैक्ड होती है, मॉलिक्यूल्स के जो सॉलिड है वो क्लोजली पैक्ड होती है, और इसीलिए वो हाईली रिगिड होता है, बहुत सख्त होता है। और गैसेस केस में क्या है, आपको पता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, और लेस क्लोजली पैक्ड होने की वजह से जो लिक्विड्स हैं वो लेस रिगिड होती है, यानी बहुत ज्यादा सख्त नहीं होता है, ढीला ढाला होता है, कह सकते हैं जेली लाइक है, फिर उससे भी ज्यादा फ्री होता है। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ पॉइंट जो है कि
गैसीय स्टेट्स के जो पार्टिकल्स वो भी बहुत लूजली पैक्ड होते हैं और इसीलिए वो नॉन रिगिड होते हैं। नॉन रिगिड बिल्कुल बिल्कुल भी सख्त नहीं, आसान से जिससे हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टॉपिक थी, कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक करके, जितने सारे हमारे मैटर्स हैं उन सभी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और वो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज। और आप जैसा चाहो, जैस जिस टॉपिक और जिस सब्जेक्ट पे चाहो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।